दोस्तों भारत G20 की मीटिंग को लेकर पूरी तरह से भड़क उठा है और भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह G20 के तहत होने वाली मीटिंग को भारत के अलग अलग हिस्सों में करने वाला है, फिर चाहे इसमें कोई देश हिस्सा ले या ना ले, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसके तहत भारत में अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में G20 की मीटिंग को किया गया था, जिसमें चीन की तरफ से हिस्सा लिया गया, जबकि पाकिस्तान ने इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी। और अब भारत ने जल्द ही श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग की डेट्स भी अनाउंस कर दी है, जहां पर दुनिया भर के सभी देश अब इस G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए खुद श्रीनगर आएंगे। ऐसे में पाकिस्तान हो सकता है कि इस मीटिंग से दूरी बनाए रखे और आखिरी समय पर कुछ बहाना बनाकर इस मीटिंग में हिस्सा ना ले, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि श्रीनगर में G20 की मीटिंग की जाएगी। ऐसे में चीन और पाकिस्तान भले ही इस मीटिंग का हिस्सा ना बने, लेकिन दुनिया भर के बाकी देश इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए श्रीनगर आएंगे, जो कि एक तरह से भारत के लिए बड़ी कामयाबी की बात है। तो चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि यह मीटिंग कब होने वाली है और चीन और पाकिस्तान को इसके प्रति क्या रवैया रखना होगा। दोस्तों बता दें कि श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग 22 मई से लेकर 24 मई तक करवाई जाएगी, जिसमें भारत यह उम्मीद कर रहा है कि इस मीटिंग को उतना ही समर्थन मिलेगा जितना अरुणाचल प्रदेश में कराई गई G20 की मीटिंग को मिला था, जिसमें 50 हाई लेवल डेलीगेट्स शामिल हुए थे। ऐसे में अगर श्रीनगर में होने वाली मीटिंग को अटेंड करने G20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स पहुंचता है तो यह पाकिस्तान के मुंह पर एक काफी बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान कभी भी यह दावा नहीं कर सकेगा कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है और वहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानवाधिकार उल्लंघन जैसी सारी की सारी बातें गलत और पाकिस्तान द्वारा चलाया गया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ही है। लेकिन सिर्फ भारत के कहने से पूरी दुनिया को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए जब G20 देशों के बहाने ये सभी देश अपने डेलीगेट्स भारत भेजेंगे और खुद कश्मीर जाकर देखेंगे तो हालात कितने सामान्य हैं, तब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत साबित होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के इस कदम का पुरजोर विरोध कर रहा है ताकि वह इस मीटिंग को रोक सके। हालांकि कई भारतीय अधिकारी यह बात मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हुई मीटिंग को अटेंड नहीं किया, वैसे ही वह श्रीनगर में होने वाली मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन का श्रीनगर में हो रही G20 मीटिंग में आने या ना आने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का मेन ऑब्जेक्टिव तो यह है कि वह G20 के दूसरे देशों को कश्मीर घाटी का टूर करवा सके और यह बात साबित कर दे कि कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, जिसमें चीन का मौजूद होना मायने नहीं रखता। वहीं पर जिस तरह से भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल इतनी सटीकता से अपने ग्लोबल इंटरेस्ट हासिल करने के लिए कर रहा है, ये देखकर अब कई देश भारत की फॉरेन पॉलिसी के फैन बन चुके हैं, क्योंकि आज भारत अपने आप में ही एक मिसाल है कि कैसे सामान्य रहते हुए भी अपने देश की अखंडता और गरिमा को बचाने के लिए हर वह कदम उठा सकते हैं जो जरूरी है, वह भी इसके बावजूद कि भारत का सामना चीन और पाकिस्तान जैसे दो ऐसे देशों से है जिनके पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार है। लेकिन फिर भी भारत इन दोनों ही देशों को अपने डिप्लोमेसी से हर बार हराता आया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत के पक्ष में एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर दुनिया भर के सभी देश हैरान हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में फाइटर जेट्स को लेकर चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक शक्तिशाली वायुसेना बनाने के लिए यह काफी जरूरी है और यही वजह है कि भारत एमका और दूसरे स्वदेशी फाइटर जेट्स प्रोग्राम को लेकर काफी कुछ सोच रहा है। और ऐसे में अब एमका की इंजन को लेकर रोल्स रॉयस ने भारत को एक इतनी बड़ी ऑफर की है जिसने अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों तक को चौंका दिया है, क्योंकि रोल्स रॉयस की तरफ से इतनी बड़ी डील सीधे बड़े बड़े देशों को ना देकर भारत को दी गई है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सामने अब एक नहीं बल्कि दो दो बड़े ऑफर आए हैं। ऐसे में भारत इनमें से कौन से ऑफर को एक्सेप्ट करता है, यह भारत के हाथ में है। लेकिन दोनों ही ऑफर इतने ज़बरदस्त है कि दोनों के अपने आप में कई फायदे हैं और यह ऑफर बड़े बड़े देशों को ना मिलकर भारत को मिले हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या है यह ऑफर, इन सभी बातों के बारे में अब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कंफर्म हो गई है कि रोल्स रॉयस भारत के साथ एमका के इंजन को डेवलप करने में इतना इंटरेस्टेड है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि दो ऑफर दिए हैं और ये दोनों ही ऑफर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पहले तो रोल्स रॉयस ने भारत को ये बात साफ कर दी कि अगर भारत चाहे तो वह हमारे साथ मिलकर एक बिल्कुल नए 110 किलो न्यूटन क्लास इंजन को बना सकते हैं, जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होंगे और इसे स्वदेशी रूप से भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। यानी कि रोल्स रॉयस भारत को एक बिल्कुल ही नया इंजन ऑफर कर रहा है, जबकि अपने दूसरे ऑफर में ब्रिटेन की BAE सिस्टम भारत को जापान और इटली के साथ मिलकर बनाए जा रहे 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में आमंत्रित करना चाहता है, जिसके लिए एक नया इंजन बनाया जाएगा जो कि न सिर्फ आज पृथ्वी पर मौजूद किसी भी फाइटर जेट से ज़्यादा एडवांस होने वाला है बल्कि कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली भी होगा, क्योंकि इस इंजन को किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए 6th जनरेशन जेट के लिए बनाया जाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी और क्षमता का सामना आज मौजूद कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जापान, ब्रिटेन और इटली जिस एयरक्राफ्ट को साथ मिलकर बना रहे हैं, वे साल 2035 तक सबके सामने भी आएगा। यानी कि यह विमान बहुत ही जल्द सबके सामने आने वाला है और इसकी टाइमलाइन भारत के एमका के साथ ओवरलैप करेगी। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोल्स रॉयस और BAE सिस्टम की तरफ से मिल रहे ऑफर भारत के लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ जाता है तो हम बिल्कुल भी नया इंजन बना सकते हैं जिसकी कमान भारत के हाथ में होगी, जिसका इस्तेमाल हम आगे जाकर अपने भविष्य के फाइटर विमानों में भी कर सकेंगे। जबकि भारत अगर BAE सिस्टम की तरफ से दिए गए ऑफर के साथ जाता है तो हम जापान, इटली और ब्रिटेन इन तीनों ही देशों के साथ मिलकर इनके ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और एक 6th जनरेशन इंजन को विकसित किया जाएगा, जिसका ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भारत के पास भी होगा। लेकिन क्योंकि यह ज्वाइंट प्रोग्राम है, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत को इस इंजन की IPR मिलेगी या नहीं। लेकिन यह ऑफर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे इंजन से काफ़ी सुपीरियर होगी, जो हमारे एमका को कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। ऐसे में इन दोनों ऑफर में से कौन सा ऑफर भारत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।